मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं एक स्मरणीय धार्मिक स्थल की यात्रा। स्मरणीय याद रखने योग्य धार्मिक स्थल का अर्थ है यज्ञ की यात्रा। तो मैंने जो है एक किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन या ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर भी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक याद रखने योग्य धार्मिक स्थल की यात्रा। तो भूमिका, भारत एक महान एवं प्राचीन देश है। प्राचीन का अर्थ यहाँ पे मैंने च लिखा है, प्राचीन पुराना देश है। इसकी संस्कृति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही प्राचीन पुरानी व समृद्ध का अर्थ खुशहाल है। जहाँ के लोग आस्थावादी हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे धर्म में विश्वास रखते हैं और ईश्वर के अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। धर्म में आस्था, धर्म आस्था का अर्थ विश्वास रखने वाले अपने अपने विश्वास के अनुसार देवी देवताओं, पीरों पैगंबरों व दिव्य, दिव्य का अर्थ अलौकिक दिव्य आत्माओं से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्रा करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। मैं हर वर्ष किसी न किसी स्थान की यात्रा करके छुट्टियों का आनंद उठाती रही हूँ। यहाँ तक मुझे याद है, जब से मैंने होश संभाला है, मैं हर वर्ष छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ किसी न किसी स्थान की यात्रा करके छुट्टियों का आनंद उठाती रही हूँ। कभी आगरा तो कभी जयपुर, कभी गोवा तो कभी ऊटी, कभी नैनीताल तो कभी शिमला। इस बार जब मेरी माता जी ने किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की, व्यक्त का अर्थ प्रकट की, तो मैंने सोचा क्या होगा उन जगहों में, दो चार मंदिर बस। लेकिन पिताजी ने माता जी का अनुरोध का अर्थ प्रार्थना, माता जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और हम भारत के प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार पहुंच। हरिद्वार अर्थात हरि भगवान का द्वार पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, पर अब उत्तरांचल नया राज्य बनने से उसके अंतर्गत आ गया है। गंगा नदी के तट पर स्थित इस धार्मिक नगरी का अपना अलग ही महत्व है। गंगा के निर्मल निर्मल पवित्र जल में गोते लगाने के लिए असंख्य असंख्य अनगिनत तीर्थ यात्री वहां पहुंचे हुए, जिसकी गिनती न की जा सके, तीर्थ यात्री वहां पहुंचे हुए थे। वहां बहुत भीड़ थी, सभी धर्मशालाएं व होटल यात्रियों से भरे पड़े थे। आखिर नदी के पास ही एक होटल में जगह मिल गई, जिसमें एक कमरे का सेट खाली था। विवश होकर, विवश का अर्थ मजबूर होकर, हमने उसे ले लिया। वैसे होटल से गंगा का दृश्य नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। हमने हाथ मुंह धोकर जलपान किया। कुछ देर आराम करने के बाद हम गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़े। जगह जगह भजनों के स्वर सुनाई दे रहे थे। किसी दुकान पर गंगा माता के भजन तो कहीं शिव शंकर के भजन सुनकर तन मन श्रद्धा से भर गया। सारी दुकानें क्रम से प्रसाद से अटी पड़ी थी। सारा वातावरण ही भक्ति में बना हुआ था। वहां पहुंचकर मुझे लगा कि हमारा परिश्रम, परिश्रम का अर्थ मेहनत, हमारा परिश्रम सार्थक हो गया है। गंगा मैया के जल में वास्तव में कोई अमृत तत्व है, जो तन मन को, तन का अर्थ शरीर को, मन को शुद्ध तथा स्फूर्तिदायक बना देता है। घाट पर पहुंचते ही, पानी में पैर डालते ही, जैसे सारी थकान काफूर, मतलब काफूर का अर्थ गायब हो गई। पानी की लहरें बस मन को आकर्षित अपनी तरफ, पानी की लहरें आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींच रही थी, अपनी तरफ मन को आकर्षित कर रही थी। जगह जगह पर जंजीरें बंधी हुई थी, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के समय किसी खतरे का सामना ना करने पड़े। मैं भी जंजीर पकड़कर पानी में गोते लगाने लगी। उस जल में वास्तव का अर्थ असल में कोई अमृत तत्व है, जो तन शरीर मन को शुद्ध तथा स्फूर्तिदायक बना देता है। स्नान करने के बाद हम वहाँ के भव्य भव्य मतलब सुंदर मंदिरों को देखने निकल पड़े। मुझे वहाँ का भारत माता मंदिर और वैष्णव माता मंदिर बहुत अच्छा लगा।
जो जम्मू के वैष्णव मंदिर की प्रतिछाया है। इस मंदिर में की गई कारीगरी देखकर आश्चर्यचकित का अर्थ हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता। 6 बजे गंगा मैया की आरती का समय है। शाम के 5:30 बज गए थे। पता चला कि 6 बजे गंगा मैया की आरती का समय आता। थोड़ी देर वहीं घूमते रहे। कहीं पंडे चंदन घिस रहे थे तो कहीं छोटी छोटी लड़कियां हाथ में टीके की थाली लिए घूम रही थी। एक छोटी लड़की से टीका लगवाने के बाद उसको 10 रुपये दक्षिणा के दिए। फिर एक बच्चे से फूलों से भरा आरती का दीपक खरीदा। अब वह घड़ी आ गई थी जिसका आधे घंटे से इंतजार हो रहा था। नदी के दूसरी ओर पुजारी आरती के बड़े बड़े दीपक लेकर गंगा मैया की आरती उतारने लगे। शंख व घंटों की ध्वनि का अर्थ आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साक्षात गंगा माँ का अवतार हो गया हो। सभी श्रद्धालुओं ने नदी में अपने फूल व दीपक प्रवाहित किए। माँ ने दान दक्षिणा दी। उनके चेहरे पर आत्मिक संतोष झलक रहा था। उसके बाद हम टहलते टहलते होटल में पहुंच गए। खाना खाकर नींद की आगोश, आगोश का अर्थ नींद की गोद, आगोश का अर्थ क्या होता है, नींद की गोद में खो गए। क्योंकि सुबह उठते ही नहा धोकर मनसा देवी और चंडी देवी घूमने का कार्यक्रम था। दूसरे दिन प्रातः हम उड़न खटोले मनसा देवी और चंडी देवी गए। वहां लोग मनोतियां मांग रहे थे कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए। सुना है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना इच्छा मां अवश्य पूरा करती है। पूरा दिन हम मंदिरों में रहे, पहले मनसा देवी फिर चंडी देवी। चंडी देवी में दर्शन करके खाना खाया और शाम को 4 बजे हम नीचे उतर आए। लेकिन वहां की प्राकृतिक छटा का अर्थ शोभा देखते ही बनती थी, जो मेरे मन मस्तिष्क का अर्थ दिमाग में छा गई। मैंने देखा मेरी माताजी के चेहरे पर बड़ा संतोष का भाव है। रात 8 बजे हमारी बस का समय हो गया था। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर बस में चढ़ गए। मैंने देखा मेरा मन भी बार बार गंगा के किनारे ही घूम रहा था। जाने का मन नहीं था, परंतु पिताजी की छुट्टियां खत्म होने के कारण मन को मारना पड़ा। मैं इस तीर्थ यात्रा को कभी नहीं भुला पाऊंगी। निष्कर्ष यात्रा ज्ञान प्राप्त करने वाले साधन में प्रमुख है। यात्रा करने से स्थान, नगर, क्षेत्र की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों, स्थानों को देखने से ज्ञान के साथ साथ विशेष आनंद का भी अनुभव होता है। विद्यालय द्वारा भी इसी ज्ञान के विकास के लिए विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। यात्रा के दौरान मुझे धार्मिक, ऐतिहासिक ज्ञान के साथ साथ यात्रा करते समय सतर्क का अर्थ अलर्ट रहने की सीख भी मिली। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।